दोस्तों आज बॉबी कफाई का एक वीडियो मैंने शेयर कर रहा हूँ, वो वीडियो मिलियन से ज़्यादा लोग अभी तक देख लिया। कल का वीडियो है फेसबुक पेज में। अगर पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देख सकते हैं। वो 45 मिनट से भी ज़्यादा लंबा वीडियो है, मैंने इसको कट करके छोटा छोटा मेन पार्ट रख करके आप सभी का सामने शेयर कर रहा हूँ। मेन पार्ट ये कहानी क्या था। सोना नाम की एक लड़की 15 साल की है, उन्होंने घर से भागा है। किस लिए, क्यों भागा है और क्या क्या हुआ, आखिर तक पुलिस क्यों आया, सब डिटेल्स आप लोग इस वीडियो में एंड तक देख सकते हैं। और वहीं बहुत लोग उस वीडियो में कमेंट हर तरफ के कर रहा है, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो और आपका क्या कमेंट हो सकता है आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो देखिएगा। उतना ही दोस्तों, राम राम सभी भाइयों को। मैं बॉबी कटारिया आज आप सभी के सामने एक छोटा सा क्या कहूँ, बहुत ही बड़ा केस लेकर आया हूँ, जो कि एक लड़की का मामला है। अपने आप को बताते रहिए, 15 साल की, नाम सोना है और बाप का नाम बता रही है अमित। देखिए फिलहाल क्या सच्चाई है क्या झूठ है, लड़की कुछ बता नहीं रही है, वो मैं आप सभी के सामने लड़की को लाना चाहूँगा एक बारी, और जिससे कि आप सबको बता सके, बातचीत कर सके आप सभी से कि लड़की चाहती क्या है, चाहती क्या है लड़की। अभी फिलहाल कंफर्म नहीं हो पाया है, कितनी भी बातें कर ली, कितनी भी कुछ कर लिया मैंने उसके, बोला मैंने प्यार से समझाया इसको कि बेटा क्या दिक्कत है, क्या बात है, मेरे को बताओ सही। ये है वो लड़की, बेटा नाम क्या है बेटा, पहले ये बात बताओ आप आई कहाँ से हो। मुझे ये सब नहीं करना। किसको नहीं करना ये बताओ, आई कहाँ से हो फिर। मुझे ये सब नहीं करना बेटा, मैं बांधता हूँ। किसको क्या पता नहीं होता तो आती नहीं, मतलब क्या है आपका कहने का। हाँ जी, आप आती नहीं उसका मतलब क्या है आपका, हम परेशान करने के लिए बैठे हैं क्या, मतलब तुम लोगों की हेल्प भी करो, तुम लोगों को वो भी करो, बैठा ही रखो, फिर बात वो ये ना कि तुम्हारी मदद भी करनी है। मुझे ये सब नहीं। क्या नहीं करना ये सब नहीं। इसका फोन कहाँ पर है, सिम निकालो इसके फोन की। ये फोन किसका है, ये जो आपके पास फोन है ये किसका सिम है। पहले आप बंद करो। किसको बेटा, मैं ये बंद नहीं करता, मैंने सो नंबर का कॉल मारो। फिलहाल लड़की अपनी सारी बातें नहीं बता रही है, जितनी बातें थी इसका कहना ये है के घर नहीं जाना मुझे। बेटा आपको घर नहीं भेज रहे अभी। मुझे ये सब नहीं करवाना। किसको क्या सब नहीं करवाना, क्यों यहाँ आलतू फालतू के लोग बैठे हैं क्या हम लोग फिर, हैं टाइम खराब करने के लिए आते हैं लोग। भाई ये लड़की घर से भागी हुई है, जिसकी हो अच्छे से पहचान कर लो। आप एक काम करो, पहले तो एक बार चौकी में फोन मार दो, एक बार वो वाला नंबर मिला करके मेरे को दे दो, इसका इलाज वही अपने आप करते हैं, वो अपने आप घर भेज देंगे इसको, ये यही चाह रही है, बता ही नहीं रही यार। कहाँ से जाओगे बेटा, अब तो दूसरे घर जाना पड़ेगा बेटा, माँ बाप पता है कितना परेशान हो रहे होंगे। ये लड़कियाँ आजकल की भाग भाग के तो निकल जाती हैं, उनको ये नहीं पता माँ बाप ने कितना पाला पोसा, कितना खर्चा, खर्चे ही छोड़ो यार, पालने पोसने में भी कितनी हालत खराब हो जाती है। एक लड़की को 15 साल बड़ा कर देते हैं और उसके बाद ये लड़कियां इस तरीके से भागने के लिए हो जाती हैं। माँ बाप किस परेशानी से मैं गुजर रहे होंगे इस समय। भाई अच्छे से चेहरा देख लो छोरी का। फिलहाल तो भलसवा डेयरी बताई गई है कि भलसवा डेयरी की है, अब ये नहीं पता सच्चाई क्या है क्या नहीं है। भलसवा डेयरी भाई ये बोल रहे दिल्ली 42 बोला जा रहा है, फिलहाल अभी वो कंफर्म नहीं है। एक मैंने नंबर दिया आपको, वो नंबर मिला हो चौकी का है। इतनी शरीफ बन रही है बेटा, है तो भाज गई क्यों आई थी, बॉयफ्रेंड वगैरह का चक्कर है क्या, शादी और कहीं करवानी है तेरी, फिर क्या करना है बता। अब सारी बात अपने आप बोल देगी भाई, जो जो होगी ना पुलिस वाले जब उठा के ले जाएंगे। भाई फिलहाल SHO साहब का नंबर ले रहे हैं, आगे देखते हैं पुलिस कार्रवाई में क्या होता है क्या नहीं होता,
लेकिन आपको जो भी चीज होगी सच्चाई दिखाई जाएगी। और हम इस तरीके की जो बालिकाएं हैं हम उनका बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे, हम उनके परिवार के साथ हैं और साथ खड़े रहेंगे हमेशा की हमेशा। हेलो एसएचओ साहब नमस्कार। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मैं यूं कह रहा था, मैं बॉबी कटारिया बोल रहा था केले गोदाम के सामने वाले घर से। हाँ जी, जी साहब एक लड़की आई हुई है 15 साल की है। हाँ और वो भागी हुई है अपने घर से। अच्छा। जी साहब एक बार लेडीज पुलिस को भेज दीजिए और इसको अरेस्ट करवाइए। एक बार थोड़ा जल्दी भेजिएगा साहब। ओके थैंक यू। मैं अभी भी रोक सकता हूँ पुलिस वालों का अगर तुम बता दो तो। लड़की फिलहाल बोल नहीं पा रही है, लड़की सिर्फ रोए जा रही है। अगर यही लड़की अगर घर से भागी हुई है और इसके साथ कोई नहीं है, आप ये चीज सोचिए कितनी बुरी हो सकती है इस लड़की के साथ। रात को रेप हो सकता है, फिर बाद में हम मोमबत्तियां ले लेकर निकलेंगे कि भाई एक लड़की का रेप हो गया, उस धर्म की थी और उस कर्म की थी। हर जगह हम फिर कैंडल मार्च करके निकालेंगे कि भाई उस लड़की का रेप हुआ है। रेप होने से पहले ही कदम क्यों ना उठा लो, अरेस्ट करवाओ, घर वालों को पकड़वाओ, पता चले। हाँ बेटे अब बताना चाहोगी? देखो 5 से 7 मिनट में पुलिस आ जाएगी। हैं? अभी भी बताना है तो हमें बता दीजिए। भाई कुछ बताना नहीं चाह रही है लड़की, अब हमारे तो समझ से बाहर है फिलहाल केस। क्या रब्बा है भाई, अरे भलसवा डेरी भाई, हम चाह रहे हैं ये वीडियो जो है भलसवा डेरी, अरे इस लड़की का नाम सोना बताया जा रहा है और डॉटर ऑफ अमित है, भलसवा डेरी की बता रही है और दिल्ली 42। घर क्यों नहीं भेजे आपके? हैं क्या घर पे क्या दिक्कत है, शादी कर रहे हैं तुम्हारी? हैं कहाँ से भागी हो, कहाँ से भाग कर आई हो ये तो बताओ। स्टार्टिंग में सब बता दिया था, कैमरा चालू करते ही उड़ गए इसके तोते, उड़ गए। मेरे को ये बात समझ में नहीं आती, घर से भाग कर जाएंगी कहाँ उन्हें। हेलो हाँ जी साहब, जी सर जी मैं बॉबी कटारी बोल रहा हूँ। जी साहब जी एक लड़की भाग करके आई हुई है और ये 15 साल की बता रही है और ये कह रही है मुझे अपने घर नहीं जाना। हाँ घर नहीं जाना, अब घर क्यों नहीं जाना अब ये तो मैटर पता नहीं चल रहा। फिलहाल इसने बोला है कि मैं भलसवा डेरी के हम आ गई हूँ, भलसवा डेरी बोल रही है बस। नहीं इसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है और कोई भी एड्रेस नहीं बता रही, डॉटर ऑफ है अमित, बस इतना बताया। हाँ साहब भेज दो ना, लेडीज पुलिस को भेज दीजिए। ये केले गोदाम के सामने ही विद्या मेडिकल हॉस्पिटल, विद्या मेडिकल सेंटर से पहले गली नहीं है? हाँ उसी के अंदर ही आना है जो केले गोदाम है। ठीक है आ जाओ। हैं? वो दीवाने घर तो जाने ही पड़ेगा, कौन रखेगा, हमारी भी तो आगे जिंदगी है। लोग भी बोल रहे हैं इसके घर भेजो। अरे घर का भाई पता हो तो भेज दे, मैं घर का है ना बताती। और न्यू भी कह रही है कि घर पे जाना भी नहीं है, बताओ क्या किया जाए भाई। भाई दूसरे के फड्डों में क्यों दखल अंदाजी करना जरूरी है? किसी की बहन बेटी है यो, खुद की अगर बहन बेटी जब भागे घर तक बाहर तो ये सोच कर बोला करो। सबकी बहन बेटी बराबर रहे करे भाई। इसके साथ रात को बिरा रात बिरात ने इसके साथ कोई 4-6 लड़के अगर कर दे गैंगरेप फिर कहाँ जाएगी ये? हैं फिर बाद में हायउल्ला करोगे? आज के आदमी जो है ना इंसान ना रहे जानवर हुए पड़े हैं। रात को एक बार अपनी बहन बेटियों को निकाल कर देखो, पता लग जाएगा कैसे चीर फाड़ करके सुबह तक फेंक देंगे। भाई फिलहाल मेरे को पुलिस का इंतजार है, पुलिस आ जाती है तो मैं लाइव बंद कर दूंगा। बेटा मैं अभी भी रोक दूंगा उन पुलिस वालों को, बता दो अभी भी।
मेरे को ये अच्छा ठीक है, ये हटा लिया, ये हटा लिया। अच्छा अब मेरे कान में तो बोल सकती है, ये हटा दिया तुम, ठीक है बंद कर दिया बंद। तुझे पता भी है ये लाइव है, इसको ये भी मालूम है, इसको ये भी मालूम है लाइव चल रहा है। भलसवा डेयरी हमारे यहाँ संत नगर बुराड़ी के पास पड़ता है, आप भलसवा पुलिस का नंबर गूगल से निकाल स। यार मैं वहाँ की पुलिस का करूँगा क्या, यहाँ वाली पुलिस आएगी, यहाँ वाली पुलिस उनसे कॉन्टेक्ट करेगी, अपने आप आ जाएंगे इसको लेने के लिए। हम क्यों फटे में पैर में वो करें, हमारा दिल्ली पुलिस का मैटर नहीं पड़ता ना भाई, हमारा तो हरियाणा पुलिस का मैटर पड़ेगा अब यहाँ पे। आपकी बात ठीक है लेकिन बात वो जायज नहीं है, मेरे को ये लगता है हरियाणा पुलिस का मैटर यहीं की यहीं से करवा करू के मैटर इसका, और ये हरियाणा पुलिस ही दिल्ली पुलिस को सौंपेगी। चलो इतने और कोई वार्तालाप कर लो, इतने पुलिस ना आवे तो भाई। भाई इसका बॉयफ्रेंड का ही मैटर है, टोटल बॉयफ्रेंड है इसके, अब या तो वो भाग गया इसको छोड़ करके, जो ये सच्चाई नहीं बता रही है। अब इसमें किस किस का नंबर है, तेरा ही फोन है ना ये, किसका फोन है ये, मामा के लड़के का फोन चुरा के लाए थे, चुरा लाई फोन को भी, फोन भी चुरा लिया तूने है, फोन चुरा के लाई थी भाई, मामा के लड़के का फोन चुरा के लाई थी बता रही है। एक भी नंबर नहीं है क्या, किसी का भी नंबर नहीं है। फिलहाल अभी हमारे साथ बने रहिए, नहीं बन सकते तो चाय वाय पी सकते हैं आप लोग, इसको पिला रहे हैं चाय पानी, कुछ भी नहीं खा पी रही। अब बताइए एक 15 साल की लड़की, 15 साल की लड़की को सड़क पर कैसे छोड़ सकते हैं आप लोग, आज की डेट में है सड़क पर छोड़ने लायक ये लड़कियां, अपनी मर्जी से बलात्कार करवा लेंगी लेकिन थोपेंगी दूसरे के ऊपर, फिर भागेंगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उसी के ऊपर ठोकेंगी रेप केस, ऐसा हाल है। इसलिए कहते हैं समझदारी से काम लीजिए, और माँ बाप की इजाजत के बिना कहीं शादी वगैरह ना करिए, अरेंज मैरिज बहुत सही होती है, क्योंकि उसमें आप माँ बाप को भी बोल सकते हैं कि मेरी लाई हुई बहू नहीं थी, तुम्हारी लाई हुई बहू थी, तुम संभालो। मिला है क्या नंबर, नहीं। ना मिला यार, इसके फ़ोन में कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं मिले हैं। मैं रिजल्ट आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, इसको पुलिस वाले यहाँ से पकड़ के ले जाएंगे और वो दिल्ली पुलिस को दे देंगे, वो चाहे इसके साथ जो मर्जी करे, फिर वो इसके बाप को सौंपेंगे। और ये कह रही है मुझे अपने घर नहीं जाना, और इसका बाप मैं तो कहूँ टांग हाथ तोड़ के ना घर में बिठा दे ऐसी छोरियों को, वो खोलो जल्दी से गेट, ऐसी छोरियों को टांगे हाथ तोड़ के ना घर में बिठा देना चाहिए। बैठ जाओ, माता जी गेट खोलने गई है, थोड़ा सा कष्ट होता है। और इस टाइम आप भी सोच रहे होंगे कि क्या होने वाला है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को फिर दोबारा से बता दूं कि मैं आप लोगों को सूचित पहले ही कर चुका हूं, मैं लड़की को सड़क पर नहीं छोड़ सकता हूं। एक हमारे पास एकमात्र सहारा सिर्फ और सिर्फ प्रशासन का ही बसता है, इसके लिए हमारे पास कोई चारा नहीं है, और मुझे वही चारा जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। खोल दे भाई खोल दे, महिला कांस्टेबल और इंस्पेक्टर साहब भी हमारे पास आ चुके हैं फिलहाल। और भाई साहब ये लड़की है, नमस्कार जैन साहब, ये है 15 साल की लड़की जो इसने मेरे को आकर के बताया अभी फिलहाल, और ये भलसवा डेयरी इतना ही बता रही है दिल्ली 42, और इसके अलावा इसने हमको कोई सूचना नहीं दी है, जो सूचना थी इतनी दे दी हमने भी, ये दिल्ली से भागी हुई है और ये घर जाने की मनाही कर रही है बस।
भाई फिलहाल मेरा मकसद ये था, जैसे कि प्रशासन के व्यक्तियों के साथ हम मिलकर के कार्य करते हैं, तो प्रशासन के सभी सेक्टर नोए थाने से भी हमारे पास पुलिस वाले भाई आ चुके हैं, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सभी का जो इतना साथ देते हैं आप लोग। तो आप लोग इसको लेकर के जाएंगे? कुछ भी नहीं बोल रहे भाई, पानी भी ना पूछ लेंगे। आपको कैसे मिली? क्या नाम है बेटा? आपको कैसे मिली मतलब? ये लड़के है ना साथ में, क्या नाम है बेटा? रोना नहीं है, इसका नाम है सोना। सोना रोना नहीं है, सोना नाम है। आपको जो मदद चाहिए मदद हो जाएगी, सारी मदद होएगी, बहुत प्यार से पूछ रही है। जो मदद चाहिए समाधान नहीं है। यहाँ तक सवाल है, इसके घर वाले शादी कर रहे हैं, 15 साल की उम्र है और ये शादी करना नहीं चाहती है, यही बात है ना बेटा? तो शादी नहीं, देखो ये देख, यही बात है ना, सच्चाई है ना ये बात? है ये बात है मेरे हिसाब से। ठीक है आप ले जाओ इसको, कुछ भी नहीं, इसका फोन था भाई, फोन फोन और इसकी सिम दो, इसकी फोन और सिम हमने चेक किया भाई साहब, इसमें कुछ नहीं मिला। चलो ठीक है, इसके हम नंबर सोच रहे थे कहीं पे कॉल करने के, तो कहीं पे कॉल वगैरह कुछ नहीं हो पाए। नहीं ये कह रही है मामा के लड़के का चोरी करके लाई हूँ फोन। मैडम आप रख लो, तोड़ तार दे, चलो जाओ बेटा। ना कोई भी ना है इनके साथ, जाओ बेटे। ना ना ना, आजा, आजा। मैं वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे तो ऐसे आ जाए जैसे वो भी कटा रही धर्मशाला खोल रखी हो। देखो सही बात मैडम, आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट है, देखो हमारे से जितना बन पाता है हम भी डायरेक्ट फोन मार दे मैं आप लोगों से, मदद होगी जी बिल्कुल उसी तरह से। जी शुक्रिया भाई जी, ठीक है जी, थैंक यू। जय हिंद साहब, राम राम सबने। भाई आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना प्यार दिया, करने की जरूरत नहीं बेटे, कोई कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, मेरे नंबर है, कोई बात है मेरे को बताना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वो मैंने इनके लड़के के फोन किया था, मैं नंबर ले लूंगा आपका, मैं ठीक है ना, वो वाला नंबर डिलीट कर देना आप, इनका कोई यूज ना है वो लेगा, ठीक है ना। मेरा नंबर उस भाई के पास है, वो जो बैठा रहे ना, ये तो यहीं से आया, ये हाँ कोई भी जानकार बता दो, कोई भी जानकार नहीं है इनमें से, इसका ये लड़की है। भाई लड़कियों को हवाले कर दिया है फिलहाल पुलिस प्रशासन, सेक्टर 9 थाने में जा चुकी है, और आगे की कार्रवाई जो है मैं आपको बताना क्या यार, अब तो दे दी अपने आप पहुंचे, लड़की पहुंचो ना पहुंचो, लेकिन ऐसी छोरियां होते ही मर जाओ भाई कसम से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट केस के बाद। मेरी माँ का रोल बहुत तगड़ा था इस केस में भाई।